What's up guys, welcome back। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये एक फाउंड फुटेज हॉरर मूवी है जिसका नाम है द डेविल इनसाइड, जो कि सन 2012 में रिलीज हुई थी। ये मूवी को डायरेक्ट किए हैं विलियम ब्रेंट बेल ने और ये मूवी को वर्ल्ड वाइड मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं। मूवी में डिमोनिक पोजेशन और एग्जॉर्सिज्म के बारे में बताया गया है और ये एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। सो आज मैं मूवी के स्टोरी लाइन का कंप्लीट ब्रेकडाउन करते हुए एंड में कुछ डिटेल्स बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये कहानी थी 1989 अक्टूबर 30 की, जहां एक औरत 911 पे कॉल करके बोलती है उसने 3 लोगों को मार दिया है। इससे पहले पुलिस ज़्यादा कुछ डिटेल्स ले पाए कॉल कट हो जाता है। पुलिस क्राइम सीन में पहुंचता है और देखता है कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और उन्हें 3 लाशें भी मिलती है जिसमें 2 प्रीस्ट और 1 नन थी। पुलिस को बेसमेंट में एक चेयर मिलता है जिसमें खरोचने का निशान था और उसका एक हैंडल भी टूटा हुआ था। तभी अचानक पुलिस को वो औरत एक तहखाना में छुपी हुई मिलती है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में न्यूज़ में एक रिपोर्टर बोलती है कि वो औरत का नाम मैरिया रॉसी है और उसने एक एग्जॉर्सिज्म के दौरान 3 जन को मार दिया है। एक पुलिस अधिकारी बोलते हैं कि वो लोग अभी मर्डर का कारण स्पेक्यूलेट नहीं कर पा रहे। मैरिया को कोर्ट में पेश किया जाता है और मर्डर के 2 साल बाद कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि वो मर्डर्स मैरिया ने अपने दिमागी पागलपन के तहत की थी और उसे नॉन गिल्टी घोषित करके इटाली के एक मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। इसके ठीक 20 साल बाद हम लोग मैरिया की बेटी को देख पाते हैं जिसका नाम था इजाबेला। वो एक कैमरामैन माइकल के साथ एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी क्योंकि उसे अपनी माँ का ये पागलपन का कारण जानना था और उनके ऊपर एग्जॉर्सिज्म क्यों किया जा रहा था। इजाबेला अपनी बचपन की फोटोज दिखाती है और बोलती है कि उसकी माँ का दिल बहुत बड़ा था, बट जब वो 6 साल की थी तब से उनका बिहेवियर चेंज हो गया था। जब इजाबेला 25 साल की थी तब उसके पिता ने उसे बताया था कि मैरिया ने एग्जॉर्सिज्म के दौरान 3 जन के ऊपर अटैक करके उन्हें मार दिया है। ये बताने के 3 दिन के बाद उनका भी मौत हो गया था। इजाबेला वो चर्च में भी कॉल करती है जहाँ से वो प्रीस्ट आए थे, बट वो लोग कुछ बताने से मना कर देते हैं। तो इजाबेला खुद ही इसका जवाब ढूंढने और अपनी माँ से मिलने इटली निकल पड़ती है। इटली पहुँच के वो पहले वेटिकन स्कूल ऑफ एग्जॉर्सिज्म में जाती है क्योंकि उसे डिमोनिक पोजिशन और एग्जॉर्सिज्म के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स जानना था। वहाँ वो 2 प्रीस्ट से मिलती है जिनका नाम था बेन एंड डेविड, जिनको वो अपनी माँ के बारे में बताती है। नेक्स्ट डे इजाबेला वो मेंटल असाइलम में जाती है जहाँ उसकी माँ को रखा गया था। वहाँ वो एक डॉक्टर से मिलती है जो उसको उसकी माँ के ट्रीटमेंट का कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं और बोलते हैं कि उनका रिसेंट डायग्नोसिस से पता चला है कि उन्हें DID है, मतलब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। वो कभी कभी अलग अलग एक्सेंट में बात करती थी और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट थी। फाइनली जब इजाबेला अपनी माँ से मिलती है वो देखती है कि उसकी माँ दीवार पर कई पेंटिंग्स बनाई है। मैरिया ने अपने हाथ और होंठ पे क्रॉस बनाए थे जो कि अपसाइड डाउन था, जिसे देख के इजाबेला डर जाती है। इजाबेला मैरिया को बोलती है कि वो उसकी बेटी है, बट मैरिया उसे पहचानने से इनकार कर देती है। मैरिया इजाबेला के पास आके बोलती है कि उसको उसका बच्चा को नहीं मानना था, ये भगवान की इच्छा के खिलाफ है। ये सुन के इजाबेला एकदम डर जाती है क्योंकि कुछ साल पहले जब वो प्रेग्नेंट थी उसने अपनी अबॉर्शन करवाई थी क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए था और ये बात किसी को भी नहीं पता था। तब अचानक मैरिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और हॉस्पिटल का स्टाफ आके इजाबेला को वहाँ से ले जाते हैं। इजाबेला सीधा जाके बेन एंड डेविड से मिलती है और उन्हें ये रिकॉर्डिंग दिखाती है। इजाबेला बोलती है कि उसने अबॉर्शन बरसों पहले करवाई थी और ये बात किसी को भी नहीं पता। बेन एंड डेविड उस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद बोलते हैं कि मैरिया पोजेस्ट हो सकती है और इजाबेला को बोलते हैं तुम्हें एग्जॉर्सिज्म या पोजेशन को अच्छे से समझने के लिए अपनी आंखों से एक रियल एग्जॉर्सिज्म को देखना पड़ेगा। गाइस, बेन और डेविड चर्च के अनुमति के बिना उन लोगों के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करते थे जिन्हें कोर्ट मानसिक बीमारी बोल के ठुकरा देता था, और ऐसे कुछ केसेस में वो लोग पोजेस्ट लोगों को ठीक करने में सफल भी हुए थे। उसके बाद इजाबेला बेन और डेविड के साथ उनका एक एग्जॉर्सिज्म अटेंड करने जाती है। वो लोग अपने साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी लेके जाते हैं ताकि उन्हें ये पता लग सके कि वो असल में पोजेस्ट है या सिर्फ मेंटली सिक है। वो लोग एक घर में जाते हैं जहाँ एक लड़की पोजेस्ट थी और जिसका नाम था रोजालिता। एग्जॉर्सिज्म शुरू होते ही रोजालिता अपनी हड्डियाँ बहुत ही भयानक तरीके से ट्विस्ट करके तोड़ने लगती है। वो लोग उसका हाथ और पैर बांध के एग्जॉर्सिज्म को कंटिन्यू करते हैं। रोजालिता वहाँ खड़ी इजाबेला को देख के उसको उसके नाम से बुलाती है जबकि वो उससे पहली बार मिल रही थी, और प्रीस्ट को गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है। वो अलग अलग भाषाएं भी बोलती है और इसी दौरान वो रस्सी खोल के उन लोगों के ऊपर अटैक भी कर देती है। बेन उसके ऊपर होली वाटर छिड़क के कुछ प्रेयर्स बोलने लगता है और कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है।
और ये लोग उसे काबू कर लेते हैं। एग्जॉर्सिज्म के बाद इजाबेला भी अपनी माँ मारिया के ऊपर वही एग्जॉर्सिज्म करने बोलती है, जिसके ऊपर डेविड थोड़ा सा हेजिटेट करता है क्योंकि उसे उसका प्रीस्ट का जॉब खोने का डर था। आज ये लोग ये सब काम चर्च के खिलाफ जाके कर रहे थे, पर थोड़ा सा समझाने के बाद वो मान जाता है। वो लोग मारिया से मिलने के बहाने आके उसके ऊपर वही सेम तरीके से एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं, बट मारिया कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। ये लोग समझ लेते हैं कि वो पोजेस्ड नहीं है। ये लोग ये प्रोसेस को यहीं पे बंद कर ही रहे थे तभी अचानक मारिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो लोग उसके ऊपर होली वाटर छिड़क के फिर से एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, बट मारिया बहुत ही ज़्यादा बेकाबू हो जाती है। मारिया के अंदर का डीमन बेन को उसके पास्ट के बारे में बहुत कुछ बताता है और उसे उठा के दीवार की तरफ फेंक देती है। वो अलग अलग भाषाओं में बात भी करती है और उन्हें गालियाँ देकर डराने लगती है। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल के वर्कर्स आ जाते हैं और एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। वो लोग घर आके ये वीडियो और ऑडियो टेप को एनालाइज करते हैं और उन्हें पता चलता है कि मारिया एक साथ में एक और दो नहीं बल्कि चार चार भाषाओं में बात कर रही थी। बेन बोलता है कि इसको मल्टीपल डिमोनिक पोजेशन कहते हैं, जहां बॉडी को मल्टीपल डीमंस पोजेस करते हैं। वो लोग ये सब एविडेंस को चर्च को देते हैं ताकि चर्च को यकीन हो जाए कि मारिया पोजेस्ड है, ना कि मेंटली सिक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्जॉर्सिज्म के बाद डेविड बहुत डिस्टर्ब रहने लगा है और लाइट बंद करके अंधेरे में बैठने लगा है। एक टाइम में बात करते वक्त अचानक उसके नाक से खून बहने लगता है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बट डेविड बोलता है कि वो ठीक है। नेक्स्ट डे डेविड कैमरामैन माइकल के साथ चर्च में एक बच्चे को बैप्टाइज करने जाता है। गाइस बैप्टिज्म में एक बच्चे को होली वाटर में डाल के उसे पवित्र किया जाता है। बैप्टिज्म के दौरान डेविड बाइबल का कुछ लाइंस बोल के उस बच्चे को होली वाटर के अंदर डालता है और उसे फोर्सफुली पानी में डुबाने लगता है। वो एकदम पागल जैसा हो गया था। वहाँ प्रेजेंट लोग बच्चे को बचाने के लिए भागते हैं और डेविड बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद हम लोग माइकल और डेविड को घर वापस आते देखते हैं, जहाँ माइकल बेन और इजाबेला को सब बताता है। तभी ऊपर फ्लोर में कुछ गिरने का आवाज आता है। वो लोग धीरे धीरे ऊपर जाके देखते हैं कि डेविड का दोनों हाथ पूरा खून से लथपथ था और वही सब साइंस थे जैसे मारिया के हाथ में थी। वो लोग एकदम डर जाते हैं, तभी डेविड उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पुलिस डेविड को उस बच्चे के केस में अरेस्ट करने पहुँचता है, बट डेविड उनका गन छीनकर अपने ही मुंह के तरफ टान देता है। बेन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, बट डेविड बाइबल का कुछ लाइंस बोलता है बट लास्ट में लाइंस भूल जाता है और हंसते हुए अपने आप को गोली मार देता है। और इस दौरान इजाबेला को दौरे पड़ने लगते हैं और वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। कुछ देर बाद एक नर्स आके बताती है कि इजाबेला अब ठीक है और वो ये रात हॉस्पिटल में ही रहेगी। तभी अचानक इजाबेला एक नर्स का गला काट कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। बेन और माइकल उसे रोकते हैं, बट इजाबेला का बॉडी बहुत ही भयानक तरीके से ट्विस्ट होने लगता है और होंठ के अंदर उसकी माँ की तरह उल्टा क्रॉस आने लगता है। बेन को समझ आ गया था कि अब इजाबेला भी पोजेस्ड हो चुकी है। वो लोग उसे एनेस्थेसिया देके एग्जॉर्सिज्म के लिए ले जाते हैं। रास्ते में अचानक इजाबेला को होश आ जाता है और उसके अंदर का डीमन फिर से बेन को उसका पास्ट याद दिला के डराती है। तभी वो माइकल का गला पकड़ लेती है और उसके मुंह के पास आके सांस छोड़ती है। तभी अचानक हम लोग माइकल को भी पोजेस्ट होते हुए देख पाते हैं और वो सीट बेल्ट खोल के गाड़ी का स्पीड बढ़ा देता है। उनका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है। बेन और माइकल ऑन स्पॉट ही मर जाते हैं, बट इजाबेला कार के अंदर नहीं थी, वो वहां से गायब थी और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस ये थी द डेविल इनसाइड की कंप्लीट स्टोरी लाइन। मूवी में हमें इजाबेला के साथ क्या हुआ कुछ बताया नहीं गया है और मूवी को एब्रप्टली एंड कर दिया गया है, जो कि इसका मिक्स्ड रिव्यूज का एक मेन रीजन है और इसे वन ऑफ द मोस्ट हेटेड मूवी एंडिंग भी बोला जाता है। जहाँ पे मुझे लगता है ये एक डिमोनिक ट्रांसफरेंस का केस था, जहाँ डीमंस अपना होस्ट चेंज कर सकते हैं। वो एक बॉडी छोड़ के दूसरा बॉडी को पोजेस कर सकते हैं। मूवी में पहले मारिया की बॉडी से वो डीमन डेविड के बॉडी को पोजेस किया, फिर इजाबेला को एंड लास्टली माइकल को, और मूवी के एंड में इजाबेला के अंदर का डीमन भी अपना अगला बॉडी के शिकार के लिए गया होगा। गाइज ये मेरा पर्सनल थ्योरी है और जहाँ ये स्टोरी सच्ची घटना के ऊपर आधारित होने का बात है, कुछ लोग इसे सच मानते हैं और बहुत लोग इसे फेक भी मानते हैं। 1993 में मारिया रॉसी नाम की एक औरत ने कुछ मर्डर्स की थी, बट वो केस एक डिमोनिक पोजीशन था या नहीं ये कभी प्रूव ही नहीं हो पाया। और मूवी में जो एग्जॉर्सिज्म्स दिखाया गया है वो भी कुछ रियल लाइफ एग्जॉर्सिज्म से इंस्पायर्ड है। पर्सनली मुझे मूवी ठीक ठाक लगी। मूवी का रन टाइम सिर्फ 83 मिनट्स का है, तो आप वन टाइम इसे देख सकते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक्सपीरियंस एंड फीडबैक्स कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और गाइज आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।